तमाको लव स्टोरी एक जैपनीज रोमांटिक एनिमे मूवी है। इस मूवी को नाओको यामाडा ने डायरेक्ट किया था और ये 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी ने अपने रिलीज़ के बाद बहुत लोगों का दिल जीता और आज भी ये मूवी हमारे फेस पे स्माइल लाने का काम कर रही है। तो आज हम इसी मूवी की बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटिक स्थान, जिसमें हम रिव्यू करेंगे तमाको लव स्टोरी एनिमे मूवी का। सो लेट्स स्टार्ट। की तमाको लव स्टोरी सीक्वल है तमाको मार्केट एनिमे का, और जैसा कि इस एनिमे का टाइटल है तमाको लव स्टोरी, इससे ये तो साफ पता चल ही जा रहा है कि ये एक लव स्टोरी है। इस मूवी को देखने से पहले अगर आप 12 एपिसोड की तमाको मार्केट एनिमे सीरीज देखते हैं तो आप इस मूवी में दिखे कैरेक्टर से काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे। तो ये एक लव स्टोरी है दो ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि अपने चाइल्डहुड में नेबर्स थे और अच्छे फ्रेंड्स थे। ये स्टोरी है तमाको और मोचीजो की। इस स्टोरी में इन दोनों की फैमिली एक मोची शॉप चलाती थी, और जैपनीज में ये मोची एक तरह का स्वीट है। और जैसा कि हर स्टोरी में होता है, दो शॉप ओनर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, बस वैसे ही इस स्टोरी में भी है। तमाको और मोचीजो दोनों की फैमिलीज का सेम बिजनेस होने के कारण इन दोनों की फैमिलीज के बीच हर दिन कोई ना कोई बहस होती रहती थी, और हर बार इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे की शॉप्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी लड़ाई झगड़े में और कंपटीशन से भरे माहौल में ये दोनों बड़े होते हैं। इस स्टोरी में तमाको एक हार्ड वर्किंग लड़की है, वो थर्ड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैटन ट्वर्लिंग क्लब और अपनी फैमिली की शॉप के कामों में स्पेंड करती है। और दूसरी तरफ मोचीजो एक काइंड हार्टेड लड़का है जो कि अपने शाई नेचर की वजह से अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरता है, और स्पेशली अपनी लव फीलिंग्स को। मोचीजो बचपन से ही तमाको को पसंद करता था, और जैसे टाइम बीतता गया मोचीजो के दिल में तमाको के लिए फीलिंग्स और बढ़ती गई, बट अपने शाई नेचर की वजह से वो कभी अपने ट्रू फीलिंग्स तमाको से नहीं कह पाया। मोचीजो का फिल्म मेकिंग का एक सपना था, इसलिए उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो हाई स्कूल ख़त्म होते ही टोक्यो की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके अपने फिल्म मेकिंग के पैशन को आगे बढ़ाएगा। और वो ये भी डिसाइड करता है कि टोक्यो जाने से पहले वो तमाको से अपनी दिल की बात ज़रूर कन्फेस करेगा। और इसी डिसीजन के साथ बहुत हिम्मत जुटा के मोचीजो ने अपनी ट्रू फीलिंग्स तमाको के सामने कन्फेस कर दी, और इसी मोमेंट से ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए ये मूवी को ज़रूर देखें। अब मैं कॉमेडी में इसे 5 out of 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस मूवी के मोस्टली सीन्स रोमांटिक और हार्ट टचिंग हैं, और रोमांस में इस मूवी को मैं 10 out of 10 की रेटिंग दूंगा। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इस मूवी को 47% रॉटन टोमेटोज़ की रेटिंग मिली है, और 7.1 out of 10 IMDb रेटिंग्स के साथ ये मूवी आपके फेस पे स्माइल लाने का काम करती है। क्योटो एनिमेशन कंपनी इस एनिमे की प्रोडक्शन कंपनी है, और नाओको यामाडा ने इसे डायरेक्ट किया है, और रिको योशिदा को इसका स्क्रीन प्ले मिला है। तो क्या तमाको के दिल में मोचीजो के लिए सेम फीलिंग्स हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। और जिन्होंने ये एनिमे देख ली है उनके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, इस सीरीज़ में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था? सेकंड, इस सीरीज़ में कहे गए कॉट्स या लाइन्स में से आपका फेवरेट कॉट्स या लाइन कौन सी है? थर्ड एंड लास्ट, क्या आप इस सीरीज़ को फिर से देखना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था रिव्यू तमाको लव स्टोरी एनिमे मूवी का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप डीमन स्लेयर सीजन 2 के प्लॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। She said, dude.
feel you love me, I tell her only partly. I only love my bed and my mom.